यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ हॉस्टल शिफ्टिंग के लिए और मैं फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड हूँ कि कैसा हॉस्टल में सब रहेगा, मतलब कैसी मेरी हॉस्टल लाइफ रहेगी। स्टार्टिंग में सभी नर्वस होते हैं कि यार कैसे रूममेट्स होंगे, हम मिक्सअप हो पाएंगे सब में या नहीं। सो या अभी मैंने जो अपना सारा सामान है वो सारा पैक करके इस कॉर्नर में रख दिया है अपना सामान, और मेरे को अकेले ही सारी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कैब वाले भैया को अभी फ़ोन किया था, वो भी जस्ट अभी 10 मिनट में पहुंच जाएंगे शायद, फिर मैं अपनी शिफ्टिंग स्टार्ट कर दूंगी। और आज काफ़ी ज़्यादा बिजी डे है तो देखते हैं कैसा सब रहता है और कैसी मेरी हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल एक्सपीरियंस जाता है। फाइनली हम हॉस्टल पहुंच गए थे एंड फिर अंकल मेरी हेल्प करते हैं ये सारा सामान गेट तक पहुंचाने में, और यहाँ से एक एक करके मैं सारा सामान रूम पहुंचाती हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, मैं लिटरली ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सारा अनपैक करके सारी सेटिंग करूँ। बट फिर मैं लंच करने चल जाती हूँ एंड फिर लंच करने के बाद मैं वापस से रूम जाती हूँ, तो पता नहीं मेरे को कौन से नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे, सैड फीलिंग आ रही थी जो मेरे को ये सोचने पे मजबूर कर रही थी कि यार मैंने सही डिसीज़न तो लिया है ना हॉस्टल आने का। बट फिर मैं सोचती हूँ यार देखो घर जैसे कंफर्ट तो कहीं नहीं मिलता, बाहर कुछ ना कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है जब मैं आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो विद अ पॉजिटिव थॉट मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी सारी सेटिंग करना। तो सबसे पहले मैं कर्टन्स लगाती हूँ, यहाँ पे एक कर्टन कम हो रहा था और यहाँ के कर्टन्स लगाना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर कर्टन्स लगाने के बाद मेरी मैक्सिमम सेटिंग हो चुकी थी, मैं बालकनी आती हूँ थोड़ा चिल करने, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। एंड फिर वापस से रूम जाती हूँ तो फिर मेरे को सिर्फ स्टडी कॉर्नर सेटअप करना रहा था, तो यहाँ पे मैं बुद्धा की शीट लगा रही हूँ। एंड फाइनली सारा काम करते करते शाम हो गई थी तो सब हो गया था, और ये मैंने अपना स्टडी कॉर्नर काफ़ी शिद्दत से सजाया था, और यहाँ पे मैंने एयर पॉकेट और अपना टोट बैग लगाया था, और नीचे भी मेरा कुछ कुछ छोटा मोटा सामान मैंने रख दिया था, और गणपति जी भी मैंने लगाए थे, और यहाँ पे मेरा व्लॉगिंग का सामान भी था और पढ़ने का सामान भी था। सो दिस इज़ माय पढ़ने का कॉर्नर एंड व्लॉगिंग का कॉर्नर, और ये मेरी पूरी साइड है, जैसे कि मेरा स्टडी टेबल है और ये बेड है और ये टेबल एक्स्ट्रा है। एंड यहाँ पे छोटा सा डस्टबिन है मेरा, और साथ में मेरे बेड के पीछे मेरे विंडो है। एंड आई होप आपको ये छोटी सी शिफ्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।